वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, मेरा नीचे का काम भी हो गया है, पूरी सफाई कर ली है मैंने। जैसे कि आपने कल वाले व्लॉग में देखा ही था, 80% काम रात को मैं ख़त्म करके गई थी ऊपर और फटाफट से मैं आई। सबसे पहले मैंने सफाई करी, जब वो वॉशरूम गया उसके बाद जब वो नहा के आया फिर उसको रेडी कर दिया। पर एक चीज़ हुई, मैंने जब को ऑयल लगा रही थी यहीं बालकनी में खड़ी होके, तो एकदम से इसके हाथ में ऑयल था। मैं इसको बोल भी रही हूँ, यहाँ पे खड़ा है, मैं इसको बोल रही हूँ पीछे हो पीछे हो पीछे हो, नहीं रहा। एकदम से शीशी पकड़ी, हाथ से छूट गई और सामने गिर गई। दिखाती हूँ कहाँ गिरी है। और डुगू भी आ गए हैं, चले जप्पू को पेपर की तैयारी सब। जप्पू को ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट, अच्छा सा पेपर करके आई हूँ। गंदा कर दिया पूरा वो। चलो वो देखो कूड़े में गिरी है शीशी ची। अगर किसी को दिख रही हो तो बताना कहाँ पे है, सब बताना कहाँ पे है। स्क्रीनशॉट लेके ना हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। देखो मैंने बिल्कुल क्लियरली दिखा दिया, अब बताना कहाँ पे है। स्कूल का पूरा पूरा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी 8 साल तक स्कूल आता है, तो सर्कुलर में मैसेज आया था। हमारे सामने भी कोई बच्ची जा रही है ना पापा, चले अब जल्दी तो रहे हैं, जल्दी स्कूल चलो 8 बजे की। आई 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 जल्दी स्कूल चलो 8 बजे है, मम्मी कुछ चीज़ ही दे दो। देखो बाय बाय, ओए बाय बाय। तो गाइस अभी जप्पू को छोड़ दिया है और मेरा ना काम हो गया था, तो मैंने डुकू को बोला ठीक है डुकू लॉक करके चले जाना, मैं ऊपर जा रही हूँ। वो ऐसे बताया जैसे पता नहीं क्या हो गया, हो काम हो गया था ना, इसलिए कहते तुम भी चलो साथ में। अब मैं साथ में आई हूँ तो मैं इतनी जल्दी करके जाऊँगी राउंड दिखाऊँगी। मैंने वीडियो एडिट करनी है। अब वीडियो एडिट करनी, मैंने भी तो काम करना था। गाइज अभी डुगू और मैं हम दोनों रेडी हैं और हम दोनों की देखो मैचिंग हो गई, मेरी भी येलो डुगू की भी येलो। और ये जो बिस्किट खा रहे हैं ना, ये जप्पू और डुगू दोनों का फेवरेट है। 2 पैकेट पड़े थे, मैंने कहा ले जाओ दोनों, नहीं नहीं एक रख जाता हूँ। मुझे पता है किसके लिए रखा है, किसके लिए रखा है, जपने के लिए, अपने जपने के लिए। सो ये देखो गाइज मेरे काम, डुगू नीचे उतर गए हैं, चिल्लाएंगे क्योंकि बाइक भी बाहर ही खड़ी है ना, इसलिए मैं ऐसे उतर गई फटाफट। ये देख लो गाइज मुझे छोड़ के यहाँ पे, क्या पकोड़े लोगे, पकोड़े ले रहे हो ना? तो अभी हरली ने आपको दिखाया था मैं पकोड़े ले रहा हूँ, ये लेके मैं लेके हूँ पालक के पकोड़े, अब खाऊंगा यहाँ बैठ के। अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ और पंखा चल रहा है, प्लीज थोड़ी पंखे की आवाज को अवॉइड करना बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और बियर नहीं हो रही। वैसे डेली मैं डुगू के साथ 10:30 बजे जा रही थी, बैच चेंज हो गया तो कल से टाइम 11:30 का हो गया है, तो मैं 11:30 से 12:30 बजे वाले बैच में जाया करूंगी। जाऊंगी भी पैदल, आऊंगी भी पैदल, अब से कोई वो नहीं है कि डुगू छोड़ने जाएंगे, ठीक है उनको भी सही है, आराम से जाएंगे अपना। तो चलो 5-7 मिनट रेस्ट करूंगी उसके बाद नहाऊंगी। सो गाइज अभी मैं नहा चुकी हूँ और रेडी भी हो गई हूँ, आज पूरे 3 से 4 दिन के बाद रेडी हुई हूँ और थ्रेडिंग बनवाने वाली। मेरा तभी दिल नहीं हो रहा था मेकअप करने का ना, मुझे अपने फेस पे मेकअप अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज जप्पू को लेने जा रही हूँ स्कूल में, तो अभी तैयार हो गई हूँ। देखती हूँ थोड़ी देर निशा के घर पे जाऊँगी आज ना, दोपहर को काफ़ी दिन हो गए, दोपहर को जाती नहीं हूँ अब, तो देखती हूँ आज मन है जाने का। हेलो जपनूर व्लॉग, पेपर कैसा हुआ है? एक नंबर तो नंबर आते हैं फिर पता लगता है, एक नंबर वाला के दो नंबर। वेरी गुड, एक मार्क्स है। वेरी गुड, एक एक मार्क्स करके मार्क्स कम होते हैं। मेरे को ये गलत हो गया, मेरे को लगा ये पता है डिफरेंस, डिफरेंस बताना माइनस करना, तो उसका प्लस कराया ना। तो गाइज जप्पू को ले लिया है, पेपर सही करके आया है, बस सिली मिस्टेक की वजह से 2 नंबर का पेपर गलत करके आया है। एक एक नंबर कटते यहाँ से कट जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, क्या ही बच्चे के पीछे पढ़ना, कराया जो कराया। अभी हम बहुत दिनों के बाद पी रहे हैं गन्ने का जूस, ओए होए होए मज़ा आ गया।
सो गाइज अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और गर्मी ने तो यार हद करी हुई है सच्ची में, पसीने पसीने हुई हुई हूँ मैं, तभी मैं तैयार नहीं होती, मेरा दिल ही नहीं करता अब तैयार होने का ना इतने पसीने के चक्कर में। तो अभी जब नूर व्लॉग्स यहाँ पे लेटा हुआ है, इसको अभी डॉगी काटते काटते बचा है, मेरे को कहता मम्मा निशा दीगर जाना है 10 मिनट। मैं जब गई थी ना, जब मैं मतलब उतरी थी जाने के लिए, तो मैं उन्हीं की गली से ही जाती हूँ, तो भैया घर पे थे और वो लोग साफा सफाई कर रहे थे, इसलिए मैं घर पे, मुझे पता ही था कि मतलब उनके घर में वो पूरी साफा सफाई अभियान जारी करके बैठे हुए थे, तो मैंने घर पे ही आना था। कहता मम्मा 10 मिनट जाऊंगा, तो मैं इसको ले गई गली के अंदर, एंटर किए मैं इसको, दो डोगी खड़े थे और मैं इसको बोल रही हूँ कि जब जी डोगी खड़े हैं दौड़ियो मत, ये उनको देख के दौड़ा और दोनों के दोनों डोगी इसके और मेरे ऊपर, खुद को तो इसको काटते ही काटते, मेरे को साथ में काटते, तो इतनी मुश्किल से गली वालों ने हमको बचाया और अब मैं इसको घर पे लेके आई हूँ। बहुत अच्छा काम किया ना, कभी भी डॉग्स के आगे दौड़ना नहीं चाहिए किसी के भी बच्चे को और बड़ों को भी नहीं, तो डॉग्स काटेंगे ही काटेंगे। सो गाइज रोटी बना ली है मैंने, जप्पू और अपनी, दो फुलके जप्पू के, 3 मेरे, और यहाँ पर अंडे की भुर्जी बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। एक प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्ची काटी है, प्याज को पिंक करके उसमें टमाटोज डाल दिए हैं और मसाले में सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाली है, तो बस इसके अंदर अंडे फोड़ दूँगी तो अंडे की भुर्जी रेडी। तो अंडे की भुर्जी के साथ ही हम आज लंच करेंगे। सो अभी मेरी अंडे की भुर्जी बन के रेडी हो गई है और जप्पू और मैं, हम दोनों कर रहे हैं लंच। बहुत ही दिनों के बाद हम रोटी खा रहे हैं, नहीं तो हमने राइस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है, राइस खा खा के फट जाएंगे किसी दिन, है ना। सो अभी ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और जब नूर व्लॉग जा रहा है साइकिल चलाने। सी यू गाइस, सी यू सून। अभी आज डुगू ने लेट आना गाइस घर पे, क्योंकि ना डुगू ने जाना है आज अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे, तो जो पूर मैं घर पे ही हैं, मैं बनाऊंगी दाल चावल अम्बी वाली, मैंने दोपहर को अम्बी ले ली थी सब्जी वाले भैया से, तो अभी थोड़ा घर सेट करने वाला है, थोड़ा घर सोफे वोफे सेट करती हूँ, थोड़ा झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद दाल चावल टाइम से रख लूँगी, हम दोनों टाइम से खा लेंगे। डुगू भी नियर अबाउट 10 बजे के आसपास ही आएंगे, है ना, इससे पहले तो क्या ही आएंगे, जाएंगे तो ऑब्वियसली बंदे को 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है, तो चलो चलिए। तो गाइस घर तो पूरा सेट कर दिया है और अब बोर हो रही हूँ क्योंकि अकेली हूँ, जप्पू भी नीचे गया है, तो मैं सोच रही हूँ किचन में चलती हूँ, दाल रख लेती हूँ, 7:30 हो गए हैं, 8 बजे तक दाल बन जाएगी, फिर चावल रख लूँगी, 8:30 तक राइस बन जाएंगे, फिर जप्पू और मैं दोनों डिनर करेंगे, मैंगो शेक भी बनाऊंगी। डुगू जाओ आप बाहर, आपके लिए रखूंगी भी नहीं। बस हवा निकल गई 10 मिनट में, हवा निकल गई 10-15 मिनट ही चलाई है, गर्मी इतनी, अगर मैं तुझे मना करती तो तू चिड़चिड़ करता। तो गाइस अभी मैं बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल, मैंने अरहर की दाल के अंदर थोड़ी सी मसूर की दाल को मिक्स किया है, धो लिया अच्छे से, अम्बी देख लो मेरी येलो निकल गई है, और एक ये छोटी सी अम्बी मेरे पास पड़ी थी ये वाइट थी, इसको भी डाल दिया मैंने, तो अभी मैं इसके अंदर सफिशियंट पानी और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के इसको बॉयल करने रखने लगी हूँ, क्योंकि दाल जो है वो 2 सीटी के अंदर ही गल जाती है, तो ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं होती। हेलो गाइस, फॉलो मत करना जप्पू को, मेरे सब्सक्राइबर्स तो करेंगे, नहीं करेंगे, आपको नौ ही करेंगे। मैंने ना अपने लिए दाल चावल बनाए थे, मतलब दाल बनाई थी, बना लो आप दाल, मेरे को भूख लगी है, दाल तो बस तड़का ही लगाने लगी हूँ, चावल भी बनाओ मेरे को, पापा बोल रहे मैं 1/2 घंटे में आ रहा हूँ, पापा कह रहे मैं तुम्हारे लिए चिकन रोल भी ला रहा हूँ, रोटी भी ला रहा हूँ, तुम मत बनाना, ठीक है नहीं बनाते, अगर पापा नहीं लाए तो, अरे गारंटी है जब पापा ने बोला, अगर पापा ने नहीं लाना होता ना तो पापा बोलते ही ना, पापा ने मेरे को बोला हरलीन तुम खाना मत बनाना अपने लिए, मतलब दाल बना लो सुबह के लिए, मैं लंच लेके जाऊंगा, पर अभी के लिए मैं ले आऊंगा तुम दोनों के लिए। ओके 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 ओके, दाल को बस, ये कुछ दाल है अम्बी वाली, अच्छा अम्बी वाली है, बस दाल को तड़का ही लगा रहे हैं, ये देखो तड़के का लहसुन कट कर दियो। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे राउंड मारने, तो चले मम्मा, यस चले, तो आज चलते हैं राउंड मारने। उमेश हेलो गाइस, चल पापा आगे बोले, पापा आगे हैं, भाई भाई चलते हैं फटाफट से, देखते आए नहीं आए, आए तो है नहीं पापा, और वहाँ पे अंधेरा जरूर आ गया, अंधेरा बोलते हैं यहाँ पे, नहीं आए पूरी अच्छे आई, पापा बाहर ही रही, वो देख रहे हो, देख रहे पापा को, बोलो कर लो आगे पार्टी करके, यो तुम्हारे लिए भी पैक करा के ले आओ, उसी के पास बड़ा मैं कभी आ गया, कहाँ है
उससे पर रखा है, मैं कभी आके लूंगा। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया। सो गाइस, अभी उस दिन हम स्वीटी छोटी जी के घर पे गए थे ना, तो आज इनके बच्चे हमको मिलने आए हैं। और पता किस लिए मिलने आए हैं? वो जिन्होंने टी शर्ट गिफ्ट करी थी ना डुकू को, वो टी शर्ट ना बाई चांस देखने में तो डबल एक्सेल ही है, पर डुकू को थोड़ी टाइट थी। गाइस, इससे पता चलता है कि पापा का वेट रोज बढ़ रहा है। अरे नहीं, पापा को डबल एक्सेल ही आती है, पर पता नहीं कैसे हो गया है ना। तो अभी डुकू गए हैं इनके लिए रोल पैक कराने, बिकॉज ये नॉन वेजिटेरियन नहीं वेजिटेरियन है। तुम नॉन वेजिटेरियन हो ना, तो सावन चल रहा है, तो डुकू इनके लिए वेज रोल पैक करवा के लाए, हमारे लिए नॉन वेज। कुछ नहीं कहेगी मम्मी, कुछ नहीं कहेगी मम्मी। जल्दी जल्दी हमने भी टी शर्ट खराब हो जाएगी, उसको दो ना। ये लो बेटा। गाइस अभी जा रहे हैं, बाय 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 बाय। सो गाइस, रुकू हमारे लिए ये लेके आए हैं एक प्लेट रोल और ये सब्जी, साथ में रोटी। दो दो रोल खाएंगे बस जप्पू और मैं। और टुकू के आने से पहले मैंने मैंगो शेक भी रेडी कर लिया था, पता है। अरे मेरी टंग पूरी रेड हो गई, ऑरेंज। मेरी तेरी कुछ भी नहीं हुआ, मैंने ऑरेंज आइसक्रीम खाई है, मेरे लिप्स भी ऑरेंज ऑरेंज हो गए। आए हाय। तो अभी हम खाना खाने लगे हैं, मैं और जप्पू टुकू खा के आए हैं। मुझे पता ही था कि उनको आके मैंगो शेक चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया था। चाहिए था ना? यस, मैंने पहले ही बना दिया था। आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम लेके सीधा घर आए। टुकू का मन था मैंगो शेक में आइसक्रीम डाल के खाने का, पर आइसक्रीम सिर्फ दुकान से घर लाने में 5 मिनट लगे टुकू हमको आने में, उतने में ही आइसक्रीम मेल्ट हो गई। मतलब ऐसे ना, मतलब वो मजा नहीं आ रहा था आइसक्रीम वाला, तो फिर हमने उसको फ्रिज में रख दिया। अब हम बिना आइसक्रीम के मैंगो शेक पियेंगे। तो आजकल यार मैं देख रही हूँ आप लोग कमेंट्स के रिप्लाई बहुत कम कर रहे हो, है ना। तो मेरी बात सुनो ना, वो आप लोग, मैंने किसी की नहीं सुननी अब तो, डुगू की बिल्कुल नहीं सुननी। आप लोगों को मेरे से बात करना पसंद था ना, आप लोग कमेंट्स करो, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई डेली करूंगी, डेली। ठीक है, 4 से 5 कमेंट्स होंगे। हाँ, मैं डेली करूंगी, आप लोग प्लीज कमेंट करो, क्योंकि मुझे भी मजा आता है यार कमेंट्स पढ़ने में। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग अपडेट ही नहीं है, जैसे आप लोग अपडेट नहीं हो, मजा ही नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, डेली व्लॉग में करूंगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।